झारखंड के जिला सिमडेगा के किरसई प्रखंड के सभागार में अनुमंडल पदाधिकारी श्री महेंद्र कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी पूनम कच्छप ने जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के संग कोविड टीकाकरण को लेकर बैठक किया। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए हम सभी को समन्वय बनाकर कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने सभी जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं को प्राथमिकता के तौर पर वैक्सीन लगवाने की बात कही। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जो भी विक्रेता कोविड वैक्सीन नहीं लिए हैं, वे अतिशीघ्र कोविड का वैक्सीन लें, क्योंकि वे खाद्यान्न वितरण के समय ज्यादा लोगों के संपर्क में आते हैं। वहीं जन वितरण प्रणाली विक्रेता सैनिटाइजर साबुन की व्यवस्था दुकान पर रखेंगे एवं संक्रमण से बचाव के लिए टीका अवश्य लगाएं। वहीं नियमित रूप से आ रहे लाभुकों को सामाजिक दूरी, मास्क एवं टीकाकरण के बारे में जागरूक करें, स्वयं टीका लें एवं लाभुकों को भी दिलाएं। उन्होंने कहा कि जान बचाना है तो टीका लेना अति आवश्यक है। वहीं कोविड का दोनों डोज लेने के बाद ही उनके शरीर में कोरोना से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी तथा उनके व उनके परिवार के सदस्य कोरोना महामारी से सुरक्षित होंगे। वहीं बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी कुंदन भगत, केरसाई अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी एवं सभी जन वितरण प्रणाली के दुकानदार उपस्थित रहे। अखंड भारत न्यूज के लिए बीरेन तिवारी की रिपोर्ट, सिमडेगा का।